अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्त्री यासिर इकबाल और आप देख रहे हैं यासिर इकबाल ऑनलाइन वर्क। दोस्तों, जो वुडन कैबिनेट होते हैं, वुडन कैबिनेट के ऊपर जिस पे कंक्रीट की स्लैब नहीं होती, मार्बल कैसे लगाया जाता। पिछली हमने वीडियो डाली वो ग्लू और बोरे के साथ मार्बल लगाने का तरीका, ये सिलिकॉन से मार्बल कैसे लगाते हैं आपको इस कंप्लीट वीडियो में ये बताया जाएगा, सिलिकॉन से मार्बल लगाने का तरीका। तो वीडियो पूरी वाच करें ताकि जो लोगों को नहीं पता वो अच्छी तरीका, वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आप कोई चीज़ बीच में मिस ना हो जाए। वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको तरीका बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये वुडन कैबिनेट है, नीचे कैबिनेट तैयार होकर लग गए हैं। ये सेकंड हैंड कैबिनेट थे, वही तैयार करके जो मालिक है उन्होंने लगवा ली है, ठीक होगा। तो इसके ऊपर हमने मार्बल लगाना है सिलिकॉन के साथ, ठीक हो गया। इसको साफ अच्छी तरह कर ले, और जो बिजली के आपने बोर्ड वगैरह रखने हैं वो पहले रखवा ले, बिजली का वायरिंग का काम कंप्लीट पहले करवा ले, और अगर पेंट वाली जगह तो उसको टक भी आपने पहले सारे लगवा लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, सिलिकॉन ऐसे आपने रख लेनी है, सारी निकाल के रख लेनी है। तो आपको ऐसे बताते जाते हैं, सिलिकॉन निकाल के रख ली तो इसको फैलाना, ठीक हो गया, इसको फैलाना है, थोड़ी थोड़ी बस लानी है, बराबर तू कबड्डी खेडनी है तो वड्डा फाड़े की ए ले ले बस इंज लानी ओए नैला ले ना बाबू जा, ओ नैले दा काम ही नहीं है ता पुत्र, बस हल्की हल्की लगनी है, किलो मसाले तरह थोड़ा लगना है। ऐसे थोड़े से सट कितों पता इंज थोड़ा थोड़ा सटता जा, इंज बड़े सट सट इत थोड़ा थोड़ा चल बस बस ये देखे दोस्तों, सिलिकॉन फेंक के इसी तरह इसको फैला ले किसी लकड़ी के पीस के साथ, तो मार्बल उठा के ऊपर रखे, ठीक होगा। यहाँ पे अंधेरा है कुछ इसी वजह से, ये देखे रोशनी कम में थोड़ा, ठीक होगा। इसको हिला के ऐसे बस, ये देखे ना, इसको हिलाएं और ऐसे दबा के इसको हिला देना, तो ये बिल्कुल पकड़ो कर जाएगा। ये देखें, ठीक होगा, यही है इसको लगाने का तरीका। तो अगले पीस भी आपको लगाते हैं तो इसका पूरा व्यू दिखाते, वीडियो कंप्लीट देखें। ये देखो दोस्तों, ये दूसरे पीस का माल बिछा लिया, ठीक है। ये थोड़ा अप डाउन होएगा, तो इस पे सिलिकॉन जहाँ पे अप डाउन है ऐसे फैला देनी जैसे ये लगी हुई, ठीक है, ताकि ये सिलिकॉन स्मेल कर रही है तो वो सीधा दिमाग पे जा रही है, तो इसी तरह लगा दें ताकि उसके साथ बराबर हो जाए। ये देखें, तो जहाँ पे माल कम आ रहा है, ये देखें ना, लकड़ी में टक, ये अप है ये डाउन है, इन चीजों का खास ख्याल रखना। इस पे सिलिकॉन कम आएगी, इस पे ज्यादा आएगी, ये देखें ना, इस पे ज्यादा लगाई हुई, इस पे कम लगाई हुई, ठीक है। तो इसको अभी हमने ये वाला पीस लगा के उसी हिसाब से सिलिकॉन को बिछाना है, ये वाली जो सिलिकॉन है ये वाला पीस लगा के ना उसी हिसाब से बिछाना है। ये देखें,
ठीक है। ये देखिए अप डाउन हो रहा है, इसको उठा के इसके सिलिकॉन और डाली जाएगी। ये देखें, ठीक होगा। ये सिलिकॉन ऐसे इसको फुला दें, रखें इसको उसी हिसाब से दबाएं ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक होगा। आगे वाला पीस रखें, ये देखें इसको आप लेवल कर लेते हैं सिलिकॉन को, फिर ये पीस ये देखें। ये देखें इसको हिला के इसको भी बराबर कर देते, बाकी जो दर्ज बचेगी वो टायर में कवर हो जाएगी। ये देखो दोस्तों मार्बल लग चुका है सिलिकॉन के साथ, तो टायर इस पे दो दिन के बाद या एक दिन के बाद लगानी, 12 घंटे छोड़ के टायर लगाएंगे तो ये अप डाउन हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन के साथ लगा होता है। अगर एहतियात से, बिल्कुल एहतियात से लगानी है तो फिर आप लगा सकते हैं, वरना नहीं तो टायर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सिलिकॉन के साथ लगाओ, ये बिल्कुल देखें वही जैसे मार्बल के साथ लगता है, बिल्कुल बराबर। आगे वाला भी ऐसे बिल्कुल बराबर, ठीक होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।